कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लंबे समय से फिल्म शहजादा को लेकर हैं चर्चे में। शहजादा तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुर मले का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक और कृति की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। कृति और कार्तिक इससे पहले 2019 में लुका छिपी में साथ काम कर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि शहजादा की शूटिंग शुरू हो गई है और इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। यह फिल्म अगले साल दर्शकों के बीच आएगी। कार्तिक और कृति दोनों ने ही सोशल मीडिया पर अपने इस फिल्म का ऐलान कर दिया है। कार्तिक ने अपने इस फिल्म का पोस्टर फैंस के साथ शेयर कर लिखा, शहजादा दुनिया का सबसे गरीब राजकुमार। दूसरी तरफ कृति ने पोस्टर शेयर कर लिखा, मैं शहजादा का हिस्सा बनकर हद से ज्यादा उत्साहित हूँ। रोहित धवन के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अगले साल 4 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज हो रही है। मुंबई में 12 अक्टूबर से एक भव्य सेट पर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इस फिल्म में कार्तिक और कृति के अलावा परेश रावल, मनीष कोइराला, रोनी रॉय और सचिन खेडकर भी लीड रोल में हैं। फिल्म में कार्तिक साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का किरदार निभाएंगे, जो अल्लू ने अला वैकुंठपुर मलो में निभाया था। दूसरी तरफ कृति ने फिल्म में अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जगह ली है। जाने माने संगीत निर्देशक प्रीतम इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करेंगे। नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। दरअसल नौरा को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन भेजा गया था। नौरा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज 14 अक्टूबर को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। खबर है कि इसी केस में जैकलिन फर्नांडिस को भी दोबारा ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। समन मिलने के बाद वक्त पर नौरा ईडी के ऑफिस पहुंच चुकी हैं, जहां उनसे सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपए के ठगी केस में अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। नौरा फतेही को मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत ईडी की ओर से समन भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में नौरा फतेही को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा गया है। जैकलिन को 15 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की निगाहें कई लोगों पर हैं जो इस केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शामिल है। नौरा के अलावा ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को भी अब एक बार फिर से समन भेजा है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी जैकलिन से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, वो भी दो बार। जैकलिन को शुक्रवार को ईडी दिल्ली वाले दफ्तर में हाजिर होना है। यह केस सुकेश और अन्य लोगों द्वारा 200 करोड़ रुपए की ठगी रंगदारी वसूली मामले में दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिस विंग की एफआईआर पर बेस्ड है। कहा जा रहा है कि सुकेश ने अन्य लोगों की तरह नौरा फतेही को भी अपने जाल में फंसाने की साजिश रची थी। नागा चैतन्य से तलाक के बाद करियर पर हुआ सांवता का फोकस, हिंदी फिल्म के अलावा साइन किए कई और प्रोजेक्ट्स। साउथ एक्ट्रेस सांवता रुथ प्रभु ने इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। नागा चैतन्य के साथ उनका तलाक इन दिनों काफी चर्चा बटोर रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ की उथल पुथल का असर सांवता अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल नहीं पड़ने दे रही है। यही वजह है कि वह इन दिनों कई फिल्में साइन करने लगी हैं। सांवता ने हाल ही में तेलुगु के एक हिंदी फिल्म में साइन की है, जो फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, जिसकी शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू हो सकती है। इसके अलावा सांवता ने अपना हिंदी प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है। दरअसल वेब सीरीज फैमिली मैन 2 में राजी के किरदार में सांवता ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में हाथों हाथ लिया जा रहा है। सांवता भी कई प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रही हैं, इसीलिए उन्होंने मुंबई में भी एक घर खरीद लिया है।
बॉलीवुड में फिल्म मेकर से उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं और इस वजह से उन्हें बार बार हैदराबाद से मुंबई आने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए घर खरीद कर सामता कुछ वक्त मुंबई में ही रहेंगी।